हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल देखेंगे, जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट करना, कि किस तरह से पैटर्न प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके। ओके, तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि किस तरह से और भी थोड़े एग्जांपल बताओ कि नेस्टेड फॉर लूप के एग्जांपल किस तरह से होंगे जब यूज़र इनपुट लेगा तब, मतलब यूज़र इनपुट देना चाहिए कि भाई 5 का पैटर्न बनना चाहिए, 5 रो का, 6 रो का, 7 रो का, जो भी यूज़र डालेगा उसके हिसाब से एक पैटर्न बनना चाहिए जो कि रेक्टेंगुलर रहेगा। ओके, रेक्टेंगुलर भी रह सकता है, ट्रायंगुलर भी ले सकता है, तो मैंने ट्रायंगुलर के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो रेक्टेंगुलर के लिए बना के एक बताता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखे आपने, फिर उसके बाद void main से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली फॉर लूप में लिखता हूँ एक फॉर लूप जो कि रो के लिए होता है। ओके, रो के लिए एक फॉर लूप होता है, रो के लिए एक फॉर लूप होता है, रो और कॉलम होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे आपका पैटर्न है कोई ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर पैटर्न है, तो उसमें जितने रो होते हैं वो मेरा यूज़र इनपुट देगा नंबर। ओके, और जितने कॉलम होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ अच्छे से। आई लेना है, आई इक्वल टू इंट आई ले लेता हूँ यहीं पर। ओके, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर ये रो का आपने एक रो के लिए फॉर लूप आपने बना दिया, एक इंट ले लिया जिसमें आई ले लिए वेरिएबल, उसमें 1 पुट कर दिए, और ये आई कब तक चलना चाहिए, जब तक एन अचीव ना हो। एन क्या होगा, मेरा यूजर ने इनपुट जितना लिया वो एन होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई इंट एन ले लेता हूँ ये। ओके, क्योंकि नंबर क्या है, मेरा इंटीजर टाइप है, एन क्या है, इंटीजर टाइप रहेगा। ओके, यूजर जो भी रो डालेगा वो मेरा एन में जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट इंटर रो, इंटर टोटल रो डाल देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ जिससे समझे कि यूजर को क्या डालना है, इंटर टोटल रो। ओके, टोटल रोस, और उसके बाद अगर आपको एन में कुछ वैल्यू लेना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैन एफ। ओके, और स्कैन एफ यूज करते हैं, और एन अगर किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं परसेंटेज डी। ओके, और कभी भी एन में वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग एम्बसन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एक लिख के आ जाएगा, रन करके देख लेते हैं हम लोग क्या लिख के आएगा। तो रन करके देखें हम लोग ने तो क्या है, प्रिंट। ओके, प्रिंट नहीं, सी में क्या होता है कि प्रिंट एफ लिखते हैं हम लोग। ओके, मैंने जावा का मतलब पाइथन का लिख दिया प्रिंट, तो क्या होता है सी में प्रिंट एफ लिखते हैं हम लोग। तो रन करके देखते हैं हम लोग, तो रन किए तो क्या लिखा है, इंटर टोटल रो। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँ और इंटर दबाऊँ, 10 लिखो इंटर दबाओ, तो एन में कितना चलाएगा, 10 चला जाएगा। ओके, और ये लूप मेरा 10 बार चलेगा, ये लूप मेरा 10 बार चलेगा। ओके, लेकिन अभी ये नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप का मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो यहाँ पर एक दूसरा फॉर लूप में लगाता हूँ जिसमें मैं दे देता हूँ इंट जे दे देता हूँ, इक्वल टू 1 दे देता हूँ, और जे लेस देन इक्वल टू एन दे देता हूँ। ओके, और जे प्लस प्लस। ओके, इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और ये वाला जो लूप रहेगा मेरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम के लिए होगा। ओके, कि कितना कॉलम मेरा प्रिंट होना चाहिए। तो अभी ये जो, तो यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू एन का मतलब है, मतलब अभी एन में मैं मान लेता हूँ 5 है, थोड़े देर के लिए एन में 5 मान लेते हैं। ओके, अज्यूम कर लो 5 है, और ये वाला लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इसको बाद में बताता हूँ। मतलब ये लाइन को कमेंट कर दिए, एन में 5 है अज्यूम कर लिए हमने। ओके, एन में 5 है, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस मतलब हर बार आई का वैल्यू 1 बढ़ेगा, और ये लूप मेरा कितने बार चलने वाला है, 5 बार चलेगा। ओके, जैसे ही फर्स्ट टाइम ये अंदर आएगा लूप, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी एन दिया है, जे लेस देन इक्वल टू एन, तो मतलब ये भी लूप मेरा 5 बार चलने वाला है। ये वाला जो लूप है ये भी मेरा 5 बार चलेगा, क्यों, क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू एन है और एन में कितना है 5, तो ये भी लूप मेरा 5 बार चलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्टार प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अभी के लिए, फिलहाल के लिए स्टार प्रिंट कर देते हैं हम लोग, और सेमी कॉलन से इसको क्लोज करते हैं। और क्या हो गया, सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया इसको मैंने, अच्छे से लिख देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखो क्या है, एक ही लाइन में पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब 5 बार लूप चला, जैसे ही ये लूप के बाहर आएगा ना, जैसे ही ये लूप के बाहर आया, तो आपको लिखना है न्यू लाइन, न्यू लाइन में आ जा भाई। न्यू लाइन में कैसे आना है, आपको लिखना है ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और डबल इन्वर्टेड के अंदर आपको लिखना है स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ओके, स्लैश एन लिख दिए, न्यू लाइन। तो जैसे ये 5 बार प्रिंट कर चुका होगा स्टार को, उसके बाद तुरंत वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा। अब रन करके देखते,
तो देखो यहाँ पर जैसे ही उसने पांच बार ये प्रिंट किया उसके बाद क्या हुआ, न्यू लाइन में आ गया। और जब ये वैल्यू यहाँ पर गया, अब आई का वैल्यू देखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई का वैल्यू जब वन था तो वन लेस देन फाइव होता है, हाँ वन लेस देन फाइव होता है तो अंदर आएगा। अंदर जैसे ही आया तो ये लूप मेरा पांच बार चलने वाला है, ये लूप मेरा पांच बार चलेगा। ओके, तो पांच बार प्रिंट हो गया। जैसे ही अब ये बाहर आएगा तो न्यू लाइन आ गया। न्यू लाइन के बाद देखेगा कि ये यहाँ पर आएगा बड़े वाले लूप में। अब बड़े वाले लूप में आई का वैल्यू अब दो हो गया है, तो दो लेस देन फाइव होता है, दो लेस देन फाइव होता है तो अंदर वापस आएगा, और अंदर ये लूप वापस से चलेगा पांच बार। तो ये लूप वापस से पांच बार चला। जैसे ही अब ये बाहर आएगा, न्यू लाइन में आ जाना है, तो न्यू लाइन में आएगा, वैसे ऊपर जाएगा तो आई का वैल्यू कितना हो गया, थ्री। अब थ्री हो गया तो ये लूप मेरा अंदर भेजेगा, क्योंकि थ्री लेस देन फाइव होता है तो अंदर आएगा। तो ये लूप वापस से मेरा पांच बार चलेगा कॉलम वाला, तो ये लूप थ्री पांच बार चला वापस से, इसी तरह ये बार बार होते रहेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। स्टार में स्पेस दे दिया, अब थोड़ा दूर दूर प्रिंट होगा। देखो यहाँ पर दूर दूर प्रिंट हो गया, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू है ऐसा आड़ा तेड़ा की प्रिंट हो गया। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा एडिटर का उन लोग का सीन है, लेकिन बाकी ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पेस दे के प्रिंट करना। लेकिन अब आप यूज़र से इनपुट चाहते हो अगर, तो क्या करो, इसको फाइव को हटा देता हूँ मैं, और इसको अनकमेंट कर देते हैं हम लोग। ओके, जो भी एन है यूज़र देना चाहिए। ओके, तो अभी बोला इंटर टोटल रोज, तो मैं अगर 10 डालता हूँ और रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैटर्न बनेगा, 10x10 का पैटर्न बनेगा। तो कुछ आ ही नहीं रहा है कुछ। ओके, 10 का ले नहीं पा रहा लग रहा है एडिटर, 5 ही डालते हैं हम लोग, तो 5 से भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके आने परसेंटेज डी, मैं अगर 4 देता हूँ, ओके 4 से आया, लेकिन रन करते वापस से 10 डाल के देखते हैं, इंटर दबाए, ओके आ रहा है, इंटर दबाना पड़ता है, मैंने इंटर नहीं दबा रहा था लग रहा है। तो 10x10 का रो इस तरह से बन रहा है। ओके, तो आप स्टार की जगह पे और कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। लाइक मैं अगर स्टार के जगह पे आप बोलो ए प्रिंट करो, तो भाई ए प्रिंट करा देते हैं हम लोग। ओके, तो इंटर रोज टोटल रोज बोला कि मैं डाल देता हूँ 8 डाल देता हूँ, टोटल रोज 8 रहना चाहिए। अरे यार रन कर दिया, सॉरी इंटर दबाना है, तो 8 बार ए आ गया, क्योंकि ये रो 8 रो बन रहा है। ओके, गिन लो 8 रो बन रहा है। ओके, तो इस तरह से ये यूज वर्क हो रहा है। ओके, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें और भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पूरे प्रोग्राम में, सिर्फ आपको यहाँ पर एन के जगह पर जो कॉलम है वो एन के जगह पर आई लिखना है, बस आई लिख दोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर मैं अगर 6 डाल देता हूँ और इंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सिर्फ इसको एन को आपको आई कर देना है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो वापस से मैं वही कर देता हूँ, क्योंकि मेन अपना फोकस रेक्टेंगुलर पे है। ओके, तो रेक्टेंगुलर पे, तो इसको मैं 6 लिख देता हूँ, इंटर दबाता हूँ, 6 लिख के इंटर दबाया, कुछ नहीं हो रहा है। रन करते एक बार वापस से, 6 लिख के इंटर दबाए तो आ गया। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसमें फन करते हैं हम लोग। ओके, मैथ्स का फन करते हैं। लाइक इसमें मैं आई प्रिंट करके देखता हूँ। आई में देखो हर बार वैल्यू क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो जब मैंने आई प्रिंट किया तो कितना आएगा देखते हैं, 5, इंटर दबाया, ओ सेगमेंटेशन डिफॉल्ट। तो आप डायरेक्टली आई प्रिंट नहीं कर सकते, सॉरी हाँ, क्योंकि इसमें सी है, तो सी में आपको लिखना पड़ता है परसेंटेज, क्योंकि आई क्या है, इंटीजर है, तो आपको परसेंटेज डी लिखना ही पड़ेगा, परसेंटेज डी, ओके कॉमा। तो इस तरह से आपको प्रिंट करना होता है सी में, तो परसेंटेज डी और आई, तो आई का वैल्यू आप प्रिंट करके हम लोग देखते हैं। तो 5 प्रिंट किया, तो देखो यहाँ पर पैटर्न मस्त एकदम बन गया, आई का वैल्यू 1 1 1 2 2 2 इस तरह से आया। अगर मैं इसको आई को जे कर दूँ, तो जे करके देख लो आप, जे कर दिया तो क्या आएगा, देखो 5 को 5 रोस रहना चाहिए, इंटर दबाया मैंने, तो देखो इस बार 1 1 1 1 1 1 इस तरह से बन रहा है। तो आप इसमें कोई भी फन भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि भाई हाँ भाई कुछ भी चीज़ डाल के देखो कि क्या आ रहा है। ओके, तो लाइक अभी मैं अगर इसको ऐसा कर दूँ, एन को हटा के आई कर दूँ, ओके आई कर दिया, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी 10 रो लेते हैं हम लोग, 10 रो लिया तो देखो किस तरह से पैटर्न बना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अगर मैं यहाँ पर जे प्रिंट कर दूँ, तो वो जे तो प्रिंट किया, आई कर देते अगर प्रिंट यहाँ पर, तो रन करके देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने 10 रोस ले लिया, तो देखो इस बार इस तरह से बना। तो आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हो कि किस तरह से बनना। अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं भाई यहाँ पर ABCD प्रिंट होना चाहिए, तो क्या करूँ मैं उसके लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट करना पड़ेगा, परसेंटेज जी नहीं, कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए सी कर दो। और
और आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर 65 से ए बी सी डी स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, 1 है। आई का वैल्यू 1 है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 64 प्लस आई। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या था, 1 प्लस 64 65 होता है, और 65 का कैरेक्टर क्या होता है, ए। तो रन करके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास, कुछ भी नहीं आ रहा है। रन करके वापस से एक बार देखते हैं हम लोग, 5 प्रिंट किए तो देखो यहाँ पर आ गया, ए बी सी डी भी प्रिंट हो गया, क्योंकि 65 क्या होता है, ए होता है, फिर 66 क्या होता है, बी होता है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। ओके, जैसे अभी स्मॉल ए बी सी डी चाहिए तो उसका नंबर मुझे याद नहीं आ, सी सी आई कोड क्या था भूल गया मैं, 91 था कि क्या था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग तरह का पैटर्न प्रिंट करके भी आप देख सकते हो। ओके, अगर ये आई लेस देन है तो इसको एन अगर वापस से कर दूँ मैं तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंट होगा। ओके, देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी मस्ती कर सकते हो इसके साथ, नेस्टेड फॉर लूप के साथ पैटर्न अलग अलग प्रिंट करने के लिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।